हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर भिंडी दी हुई है और मैं बना रही हूँ भिंडी। तो यहाँ पर मैं बीज से फाड़ लेती हूँ भिंडी को, और आप देख सकते हैं मैंने भिंडी को धुल के कपड़े से पोछी हुई थी, क्योंकि पानी एकदम बिल्कुल सूख जाए। और मैं पानी बिल्कुल एकदम सूख गया है और मैं भिंडी बीज से फाड़ के काट रही हूँ। इतनी स्वादिष्ट बनती है भिंडी, मसाले वाली आप बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं भिंडी काटती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं भिंडी इसी तरीके से सब भिंडी काट लेती हूँ। और काटने के बाद में, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने भिंडी काटी हुई है और दो प्याज मैंने लंबाई में काटे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने दो प्याज काटे, दो तीन हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ हैं दो तीन, और मैंने भिंडी काट के आ गए हैं किचन में। तो दोस्तों, यहाँ पर पहुँचे हैं किचन में। किचन में कढ़ाई चढ़ाई है और मैंने तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं, और यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहीं पे मैं डाल देती हूँ लहसुन और प्याज और हरी मिर्च डाल के, और मैं बहुत अच्छे से इनको फ्राई कर लेती हूँ, और इनको तेज आंच में इनको फ्राई करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस समय फ्राई कर देती हूँ, और करने के बाद में मैं देखती हूँ बाद में थोड़ा सा फ्राई करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। और यहीं पर मैं डाल देती हूँ भिंडी। तो दोस्तों, मैंने हल्का सा ब्राउन किया है और यहाँ पर मैं भिंडी डाल के और दो तीन मिनट तक भिंडी को अच्छे से फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं भिंडी को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो दोस्तों, अगर रेसिपी आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना। और मैं भिंडी डाल के दो तीन मिनट तक बढ़िया से फ्राई करती हूँ। तो दो तीन मिनट दोस्तों हो रहे हैं और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद में, तो दोस्तों दो तीन मिनट हो चुके हैं और अब मैं डाल देती हूँ मसाला। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक, और यहीं पर मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी हल्दी। और हल्दी डाल के सभी मसाले बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद में पानी एक भी नहीं डालना है। और अब मैं भिंडी को बंद कर देती हूँ, बंद करके और बहुत अच्छे से पकाती हूँ। तो धीमी धीमी आंच में पकाया है मैंने, 10 से 15 मिनट लगा है और मेरी भिंडी बन के रेडी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा।